हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल से अपना TDS कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी भी कामकाज में अपने पैन कार्ड का प्रयोग किया हुआ है तो वहां पर आपका TDS काटा जाता है और बहुत से लोग अपना TDS चेक करना नहीं जान पाते हैं, या फिर फ्रेंड्स उन्हें मोबाइल से TDS चेक करने में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिखाएंगे कि नई वेबसाइट के माध्यम से आप मोबाइल से ही TDS कैसे चेक करेंगे, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल से अपना TDS चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल में, और मोबाइल में आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर अपने किसी भी एक ब्राउजर को खोल लेना है। हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को खोल रखा है, और क्रोम ब्राउजर को खोलते ही देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो वेबसाइट खोल ली है वो पहले खोल ली है google.com। तो जो आधिकारिक वेबसाइट है गूगल की, पहले गूगल खोल लीजिए। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स लिख के सर्च करना है। जैसे आप इनकम टैक्स लिख के सर्च करेंगे तो देखिए जो पहली वेबसाइट आती है incometax.gov.in, ये आधिकारिक वेबसाइट है, आपको इसी वेबसाइट को खोल लेना है। देखिए जैसे आप ये वेबसाइट खोल लेते हैं आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जो है लॉगिन का पेज दिया होगा इस प्रकार से, देखिए ये आइकॉन बना है, यहाँ पर क्लिक करिए। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना होगा। तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा और अपना यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होगा। तो देखिए रजिस्टर्ड करने के लिए आपके सामने एक इस प्रकार से पेज खुलेगा, जहां पर देखिए इस प्रकार से आपको पैन नंबर डालकर वैलिडेट करना है और अपना अकाउंट बनाना है। दोस्तों हमारा अकाउंट पहले से बना है तो हम लॉगिन करेंगे। जिन लोगों का अकाउंट नहीं यहाँ पर बन पाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उनके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यहाँ पर अकाउंट बनाना होता है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगिन पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर हम क्या करते हैं अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका पैन नंबर या आधार नंबर मांगा जाएगा। हम यहाँ पर पैन नंबर डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना होगा, जहाँ पर लिखा है प्लीज कंफर्म योर सिक्योर मैसेज, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा जो कि आपने बनाया है, और यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा और ऊपर आपकी सारी जानकारी आपको दिख रही होगी। अब देखिए आपको TDS चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर आपको 3 लाइन दिख रही है कुछ इस प्रकार से, इन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है ई फाइल के ऊपर, आप ई फाइल पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे अब आपको आना है इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर, और इनकम टैक्स रिटर्न पे आएंगे तो अब आपको यहाँ आना है व्यू फॉर्म 26AS, इस पर आना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो आपको कंफर्म कर देना है, और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड इस फॉर्म में आपको देखिए यहाँ पर लगाना होगा चेक मार्क कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लगाइए चेक मार्क, और यहाँ पर लिखा होगा प्रोसीड, तो प्रोसीड पे कर दीजिए क्लिक। जैसे फ्रेंड आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से अब जो है अगला पेज आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल, आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये पेज आएगा। देखिए आपको इस प्रकार से, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, इस प्रकार से ये पेज आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर चुनना होगा, किस ईयर का आप देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ईयर चुन लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, करंट ईयर का देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर करंट ईयर को चुनेंगे। आप जिस भी ईयर का देखना चाहेंगे आप उस ईयर का चुन लीजिए। तो पहले मैं आपको 24-25 का दिखाता हूँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको HTML चुनना है, और उसके बाद देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा व्यू डाउनलोड्स, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ से आपका पैसा कटा है, किस किस यहाँ पर जगह काटा गया है, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगी। फ्रेंड सिक्योरिटी रीजन से मैंने यहाँ हाइड कर रखा है, ठीक है, बाकी का आप यहाँ पर अपना TDS चेक कर पा रहे होंगे। तो देखिए जहाँ से जितना पैसा कटा है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, और अगर आप इस पैसे को वापस लेना चाहते हैं अपने बैंक खाते में तो उसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो TDS रिटर्न कैसे लेते हैं, रिफंड कैसे लेते हैं, उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, जिसके बाद आप आसानी से अपना TDS रिफंड यहाँ से निकाल पाएंगे।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना घर बैठे TDS चेक करना है अपने मोबाइल से। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।